चलिए आज बात करते हैं आइफा के आउटफिट्स के बारे में। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वी आर गोइंग टू डीकोड डिस्कस एवरी आउटफिट, किसका हमको बहुत अच्छा लगा और किसका बिल्कुल बेकार लगा। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रानी मुखर्जी एंड शबाना आजमी जी। वेल, अगर कलर पैलेट का बोला जाए तो मोस्ट ऑफ देम प्लेड सेफ। आई डोंट नो व्हाई, या तो हमको ऑफ वाइट्स दिखे या तो फिर बेज दिखे। वेल, रानी वाज सीन इन अ प्लेन सैटिन साड़ी विद सम ब्रोकेडेड ब्लाउज एंड आई डिडंट लाइक हर स्टाइलिंग बन एंड ऑल दैट एक्सेसरीज विच शी वोर। आई थिंक That was looking really aged for her. Shabana Azmi ji opted for off-white sari. Well, sari तो बहुत अच्छी थी और styling भी अच्छा खासा ही था, लेकिन experimental कुछ भी नहीं था। लेकिन ये दोनों इतने दिग्गज महान कलाकार हैं और performances उनके इतने बेहतरीन होते हैं कि I think we can actually kind of dismiss them from this whole scrutiny of fashion. अब चलिए, रानी और शबाना जी को तो हमने माफ कर दिया क्योंकि वो तो बेहतरीन कलाकार है, लेकिन उर्वशी रावतला क्या कर रही थी? आई मीन, ना ही वो एक्टिंग में अपना ध्यान देती और जो फैशन लुक्स उन्होंने हमको सर्व किए, हाय दैया मैं क्या बोलूँ। आई मीन, शी सर्व्ड अस थ्री फैशन लुक्स और तीनों ही इतने गॉडी। एक में उन्होंने पहना था कुछ हैवीली अडॉर्न्ड ऑफ शोल्डर, यू नो, मिड लेंथ मिनी काइंड ऑफ अ ड्रेस जो उनपे बहुत ज़्यादा गॉडी लग रहा था। एंड देन द नेक्स्ट वन जो कि गोल्डन शिमर और ब्लैक वेलवेट फैब्रिक से बनाया गया था, इट वॉज अ फ्लोर लेंथ मरमेड गाउन, उसमें भी उनकी स्टाइलिंग कुछ खास नहीं थी। एंड द थर्ड लुक विच शी सर्व्ड वॉज लाइक अ पर्पल मेजेंटा काइंड ऑफ अ मरमेड गाउन जिसमें बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट था और हाथ भी उनके अजीब से थे, स्लीव में भी कुछ अजीब सा एम्बेलिशमेंट था और वो उनके बॉडी टाइप को भी बिल्कुल ज़्यादा फ्लैटर नहीं कर रहा था। थ्री आउटफिट्स वे लुकिंग बैड ऑन हर। पता नहीं उनको खुद को पता नहीं होगा या फिर उन्होंने किसको हायर किया होगा कि इतना ख़राब स्टाइलिंग किया उनके ऊपर। आई मीन, शी हैज़ गॉट सच अ ब्यूटिफुल फेस, लेकिन एक भी आउटफिट में उनका स्टाइलिंग सही से नहीं बैठा जिसके वजह से वो अपने एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। वह मुझे प्रियामणि का लुक भी अच्छा लगा जो उन्होंने आइफा उत्सवम में पहना था। इट वॉज लाइक अ पाउडर पिंक मॉव काइंड ऑफ साड़ी विथ सेक्वीन वर्क और ब्लाउज में भी बहुत ज़्यादा सेक्वीन हैवी वर्क था। इट वॉज अ कट स्लीव ब्लाउज, बट अगेन आई डिडंट लाइक हर स्टाइलिंग। आई थिंक उनका जो मेकअप था, हेयर स्टाइल था, इट काइंड ऑफ मेड हर लुक लिटिल ओल्ड देन हर रियल एज। और उन्होंने जो नेक्स्ट गाउन पहना था, इट वॉज अ हॉल्टर नेक मैक्सी ड्रेस विथ सम फ्लोरल ऑरेंज fabric and it was totally looking a disaster. I don't know why she opted for the dress. अब बात करते हैं about Ananya Pandey and I think Ananya का मुझे एक look तो बहुत ज़्यादा पसंद आया which she wore at Aifa Utsavam. It was a net sari with lot of colorful multiple embroidery work with lots of sequin and bead work and she kept a very fluffy blown up hair with a small bindi. बहुत ज़्यादा jewelry भी उन्होंने नहीं पहना था and it was looking very Gen Z. Even though sari था लेकिन बहुत traditional look उन्होंने नहीं रखा, so I like the styling. और दूसरा जो था वो एक actually Indo वेस्टर्न आउटफिट था लेकिन मुझे कुछ जमा नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था पूरा आउटफिट जो है वो Y2K वाइब्स दे रहा है। वेल, इट वाज लाइक अ सैटिन धोती प्लीटेड पैन इन द फ्रंट व्हिच हैड लाइक अ क्रॉप टॉप विद अनइवन हेमलाइन और उसमें कुछ काम किया हुआ था एंड देन शी आल्सो वोर अ केप बट शी मेड अ बन एंड द होल स्टाइलिंग एंड मेकअप अगेन वाज नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग। वो अपने एज से ज्यादा दिख रही थी, इसी वजह से मुझे पूरा आउटफिट जो है वो अच्छा नहीं लगा। वेल, नाउ कमिंग टू जानवी, आई थिंक आई लव बोथ द लुक्स दैट जानवी वोर। एक उन्होंने पहना था गौरव गुप्ता का लेटेस्ट कुचौर कलेक्शन व्हिच वाज लाइक ऑफ शोल्डर मैक्सी ड्रेस, इट वॉज लाइक फ्लोर लेंथ और मेटलिक एम्बेलिशमेंट्स था नेकलाइन में और वेस्ट में एंड इट वॉज टोटली लुकिंग अमेजिंग ऑन हर। उनके बॉडी टाइप को भी बहुत फ्लैटर कर रहा था। शी केप लाइक अ वेट हेयर एंड वेरी मिनिमल ज्वेलरी एंड मेकअप वॉज ऑल्सो ड्यूबी, तो काफी अच्छा लग रहा था उनपे। एंड द नेक्स्ट शी वोर वॉज अ टू पीस एंसेंबल बाय रिमझिम दादू। उनका जो सिग्नेचर स्टाइल है अबाउट वीविंग मेटलिक कॉर्ड्स, उसी टेक्निक से उन्होंने ये गाउन भी बनाया था। सो इट हैड लाइक अ वेरी बिडाजल्ड, यू नो, वेवी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर बोथ इन द सिल्वेट and the texture and the pattern of the dress और काफ़ी अच्छा लग रहा था जानवी पे। इसमें भी उन्होंने थोड़ा बहुत wet look back combed hair रखा था, so it was kind of looking very futuristic जो कि dress का भी appeal था। अब बात करते हैं about मृणाल ठाकुर। well, मृणाल ठाकुर ने एक बहुत ही signature-ish गौरव गुप्ता gown पहना था which was in lemon yellow जो कि उनके cording technique से बनाई जाती है। well, she was looking pretty but nothing very unusual. The color was also okay and the whole dress that was a two-piece ensemble, it had like a sleeve attached cape, अच्छे से carry कर रही थी। Well, now moving on to some of my most favorite looks. पहला नाम है राशि खन्ना, I love both her looks. Well, उन्होंने एक sequined bold red बॉडी सूट पहना था फॉर हर परफॉर्मेंस एट आइफा उत्सवम विच हैड लाइक लॉट ऑफ सिक्वीन वर्क्स एंड वॉज वेरी ब्राइट, लेकिन कुछ भी ओवर द टॉप नहीं लग रहा था, उनको भी बहुत ज़्यादा फ्लैटर कर रहा था। एंड शी केप लाइक ओपन वेवी हेयर विथ राइट अमाउंट ऑफ मेकअप जो उन पर बहुत सूट कर रहा था। एंड द नेक्स्ट वॉज लाइक अ सैटिन ब्लू वन शोल्डर थाई हाई स्लेट
मैक्सी लेंथ फ्लोई गाउन विच ऑल्सो हैड अ ट्रेल, और वो गाउन उन्होंने इतनी सही तरीके से कैरी किया. आई थिंक आई रियली लव द वे शी कैरीड दैट गाउन. और जो स्टाइलिंग था वो भी बहुत कमाल का था. इट वॉज अ निकोलस जेब्रन गाउन. वेल, उन्होंने लो बन बनाया था और एक सुंदर सा बहुत ही स्लीक सा राइनस्टोन या डायमंड का नेकपीस पहना था. नथिंग ऑन द ईयर्स. आई थिंक दैट रियली लुक ग्रेट ऑन हर. अब बात करेंगे अबाउट कुशास लुक विच इज लाइक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लुक्स. उन्होंने पहना था एक अभिषेक शर्मा गाउन जो कि फ्लोर लेंथ का था, बट इट हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग सिलुएट. इट हैड लाइक फ्रिंजेस जो कि पर्पल कलर में था, एंड देन इट हैड एडॉर्नमेंट्स जो कि बोल्ड ब्लू कलर में था, एंड शी वॉज लुकिंग रिस्प्लेंडेंट. आई मीन लाइक दिस मैजिक. और उनका जो स्टाइलिंग था, हेयर स्टाइल, एवरीथिंग कॉम्प्लीमेंटेड हर स्किन टोन, हर बॉडी टाइप. अब बात करते हैं रेखा जी के आउटफिट के बारे में. उनके बारे में क्या ही कहूँ. शी वेयर्स द मोस्ट क्लासिक एंड द मोस्ट बेसिक स्टफ, लेकिन शी जस्ट लुक्स द डीवा दैट शी इज. वेल, उन्होंने पहना था एक टिश्यू ऑर्गेंजा साड़ी जिसमें बहुत ही ज्यादा आरी और गोटा पट्टी और जरदोजी का काम था इन द बॉर्डर, विथ हर सिग्नेचर स्टाइल हाई नेक ब्रोकेडेड ब्लाउज इन थ्री क्वार्टर स्लीव एंड विद गजरा अडॉर्न्ड लो बन एंड दैट पोटली ऑफ हर्स. आई मीन एवरीथिंग वॉज अ मोनोक्रोमैटिक लुक, लेकिन कॉन्ट्रास्ट वो क्रिएट करती है अपनी सिंदूर से एंड विद हर ब्राइट बोल्ड रेड लिप्स. ओ माई गॉड, व्हाट अ डीवा शी इज. I mean, amongst all this hot couture and avant-garde, I think the sari, the way she dons the sari, sabko beat kar deti hai. Ab baat karenge about my most favorite look of Aifa, and that is none other than Samantha Ruth Prabhu. कितनी मस्त स्टाइलिंग थी उनकी. वेल, उन पे ये ड्रेस इतना ज़्यादा सूट कर रहा था. इट वॉज़ अ कस्टम मेड क्रेशा बजाज आउटफिट एंड इट ऑल्सो हैड फ्रिंज डिटेलिंग जो कि किया गया था बाय हीलिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम इजिप्ट. कैन यू इमेजिन, इट वॉज स्पेशली मेड फॉर हर एंड इट हैड अ बस्टियर डिटेलिंग जिसके वजह से फ्रिंजेस होने के बावजूद इट गेव अ वेरी स्ट्रक्चर लुक टू हर, मेड हर टॉर्सो लुक वेरी इलांगेटेड एंड शी लुक्ड सो एलिगेंट एंड सेक्सी. And I think I totally love that look on her. और minimalistic makeup, hair भी बहुत अच्छे से किया गया था. So yeah, she was my most favorite look of Aifa, and I think she completely nailed the look. So yeah, that was all about today's Bazooka Reviews. Keep watching for more interesting updates. और आप जरूर बताइए कि आपका कौन सा favorite look था.